हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सब्स गुड लाइफ। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज मैं जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए ओबेरॉय मॉल। सो अभी देखिए हमारी लिफ्ट आ चुके हैं और अभी हम लोग लिफ्ट में एंटर हो रहे हैं। मैं जो है अपने पार्किंग एरिया में जा रहा था गाड़ी लेने के लिए। अब देखिए हम लोग हाईवे पे पहुंच गए। ओबेरॉय मॉल जो है हमारे घर से करीब करीब जो है ना 2 किलोमीटर पर ही पड़ता है। वो काफ़ी करीब है हमारे घर से। अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में ओबेरॉय मॉल आ चुका है, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा मॉल है और ये गोरेगांव स्टेशन से भी करीब करीब 2.5 किलोमीटर के अंदर ही पड़ जाता है ये। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर हाईवे से लेफ्ट होते हुए एक सर्विस रोड लेते हुए हम लोग ओबेरॉय मॉल तक पहुँचेंगे। देखिए ये सर्विस रोड है ये। अब ये सर्विस रोड पर वो सिग्नल आ चुका है। अब जस्ट हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे और ओबेरॉय मॉल के अंदर एंट्री करेंगे। देखिए ये ओबेरॉय मॉल का मेन एंट्री है। जो वॉकेबल कस्टमर्स होते हैं वो यहाँ से एंट्री करते हैं। अब देखिए ओबेरॉय मॉल के स्टाफ ने कितने अच्छे से जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो है ना एंट्री कर रहे हैं सबकी। अभी हम लोग जो है यहाँ से बेसमेंट की एंट्री ले रहे हैं। बेसमेंट में जाने से पहले जो है यहाँ पे एक सिक्योरिटी चेक इन होता है गाड़ियों की। वो जो पूरे अच्छे से गाड़ी को चेक करते हैं उसके बाद में ही हमें बेसमेंट में जाने के लिए अलाउ करते हैं। देखिए अभी गाड़ी की चेकिंग हो चुकी है और अब जस्ट हम लोग बेसमेंट में एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पर जो है ना हमको पार्किंग चार्जेस पे करना होता है। पार्किंग चार्जेस जो है अराउंड 50 रुपीज़ होता है, जिसमें आराम से आप 4 से 5 घंटा पार्किंग वगैरह कर सकते हैं। लकीली आज जो है हमको ओबेरॉय मॉल में जो है ना पार्किंग बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गई। मतलब जस्ट लिफ्ट के एकदम पास में हमें पार्किंग मिल गई, आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ ओबेरॉय मॉल में जो है ना बहुत घूमना पड़ता है पार्किंग के लिए। अभी देखिए हम लोग लिफ्ट में एंटर करने के लिए क्यू में खड़े हैं। यहाँ पर भी अच्छे से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सबकी एंट्री ले रहे हैं और प्रॉपरली जो है सबको चेक भी कर रहे हैं यहाँ पर। आज मैंने नोटिस किया कि मोबाइल्स वगैरह भी जो है यहाँ पर निकाल के सब चेकिंग वगैरह कर रहे थे। ये देखिए ओबेरॉय मॉल का ये ग्राउंड फ्लोर है। ये देखिए मेरा फेवरेट लाइफस्टाइल। यहाँ पर 50% फ्लैट होने के बावजूद जो है ना अंदर कस्टमर्स नज़र नहीं आ रहे थे। आप देखिए पूरा मॉल कम्प्लीटली खाली नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ हम लोग ओबेरॉय मॉल जो है ना मतलब काफ़ी आते जाते रहते हैं, बट इतना खाली मॉल मैंने मेरे बोलते हैं ना मतलब मैंने इतनी बार कभी देखा नहीं कि इतना मॉल पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब देखिए मैं एस्केलेटर से ऊपर जा रहा हूँ। आप पीछे का हाल देखिए, पूरा मॉल खाली नज़र आ रहा है पूरा। ये मैं बेसिकली जो है ना जब भी ओबेरॉय मॉल आता हूँ तो शॉपिंग के लिए आइदर लाइफस्टाइल और सेंट्रल प्रेफर करता हूँ। तो आज मेरी वाइफ ने बोला कि चलिए आज सेंट्रल से शॉपिंग करते हैं, बिकॉज सेंट्रल में जो है जो टी शर्ट्स वगैरह की जो चॉइसेस होते हैं वो अच्छी अवेलेबिलिटी हो जाती है। ये देखिए सेंट्रल है ये। अगर सेंट्रल में भी अगर आप देखेंगे तो वो पूरा जो बोलते हैं ना पूरा खाली नज़र आ रहा है, मतलब कस्टमर्स नहीं नज़र आ रहे हैं। आप देखिए, आप देख सकते हैं। अब जस्ट मैं सेंट्रल में एंट्री करूँगा। अब मैं करीब करीब 5 से 6 महीने के बाद में सेंट्रल में आया था, तो आई थॉट ऑफ कि चलिए पहले पूरा राउंड ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे शूज़ के कलेक्शंस मैंने देखा कि मतलब कलेक्शंस हर एक प्रोडक्ट के जो है ना बहुत अच्छे अच्छे रखे हुए थे, ऑफ़र्स में भी और नॉन ऑफर्स वाले प्रोडक्ट भी, भले फिर वो शूज़ हो, शर्ट्स हो, ट्राउज़र्स हो, टी शर्ट्स हो। आप देखिए पूरा खाली नज़र आ रहा है ये। कस्टमर्स तो ना के बराबर ही नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बोलते ना जिनको ज़रूरत है वही घर के बाहर निकल रहे हैं इस पेंडेमिक में। और मतलब किसी का अगर काम कुछ रुक रहा है कि भाई ये शॉपिंग के बिना नहीं काम होगा, तो ये लोग निकल रहे हैं बाहर और शॉपिंग के लिए बाहर आ रहे हैं। अदरवाइज़ मैंने ऐसे खाली सेंट्रल कभी नहीं देखा है। आप देखिए वो कलेक्शंस अगर आप देखेंगे ना, अच्छे ऑफर्स होने के बावजूद लोग नहीं निकल रहे हैं घर से। मतलब बोलते हैं ना एवरी वीकेंड्स पे मतलब कुछ ना कुछ मैसेजेस आते रहते हैं ओबेरॉय मॉल का कि आज 50% ऑफ है। मेरी वाइफ को जो है ना कॉलर्ड वाली टी शर्ट्स बहुत पसंद आती हैं, तो अगर आप देखेंगे तो वो जो है ना कॉलर्ड वाली टी शर्ट्स के स्टॉल पर ही जा रहे थे, जबकि मुझे जो है ना सर्कल नेक वाली टी शर्ट जो है ना ज़्यादा पसंद आती है। फाइनली हम लोग मतलब ढूंढते ढूंढते जो ना वो थोड़ा नाराज़ भी हो गई मेरे वाइफ की, आपको मैं बता रही हूँ कि ये ले लो लेकिन आप सर्कल नेक ही कर रहे हैं। तो फाइनली मुझे ये ब्रांड जो एक दिख गया जहाँ पे सर्कल नेक वाली टी शर्ट जो है ना बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट्स है। देखिए मैंने इस ब्रांड से लेना प्रेफर किया। आप अगर देखेंगे तो हमारे इस सेक्शन में भी जो है ना कहीं पर कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा है, खाली सेल्स पर्सन ही नज़र आ रहे हैं।
और मैं आपको और एक बात बता दूं, जैसे आज जो है ना सेल्स पर्सन जितने भी थे ना वो प्रेफरेंस भी बहुत अच्छा दे रहे थे। अगर हम उनके स्टॉल पे जा रहे थे तो वो अच्छे से मतलब बोलते हैं ना चॉइसेस करने में दिखाने में बहुत मतलब अच्छा प्रेफरेंस देके सब सिलेक्शंस करवा रहे थे। इसका रीज़न एक सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि आज कस्टमर कम है और रश नहीं है ना। अदरवाइज सेंट्रल में बोलते हैं ना जब 50% ऑफ या ऐसे कुछ भी ऑफर्स लगता है ना तो बहुत ज़्यादा रश होता है, और ऐसे रश में जो है ना हमें फिर अच्छी प्रेफरेंस नहीं मिल पाती है। अब देखिए मेरी वाइफ जो है हम लोग के लिए टी शर्ट्स ले रहे थे, और आज मैंने मेरी वाइफ को बोल भी दिया था कि आपको आज चूज़ करना है। और क्या था, क्योंकि खाली टी शर्ट मुझे लेना था तो मेरे वाइफ ने सजेस्ट किया कि हमें एक दो टी शर्ट जो है ना मतलब पबजी वाले और ऐसे कुछ टी शर्ट जो है ना मेरे बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा अवेलेबल था, तो मेरी वाइफ ने बोला कि बच्चे के लिए भी ले लेते हैं। देखिए रेहान के लिए भी एक टी शर्ट चूज़ किया था हम लोगों ने, बट उसकी जो बोलते हैं ना जो सर्कल डिज़ाइन थी और जो उसमें एक शेप था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमने ये रेहान के लिए नहीं लिया। ये टी शर्ट देखिए आप जो देख रहे हैं ना, ये मैंने मेरे लिए चूज़ किया है। ये डिज़ाइन मुझे इसकी बहुत पसंद आई थी, कलर भी बहुत ब्राइट था। और मैं बस आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि मैं जो ना कन्फ्यूज़ था कि मैं मीडियम साइज़ की टी शर्ट लूँ या एल साइज़ की टी शर्ट लूँ, बिकॉज़ क्या है ना कि ये ब्रांड की जो मीडियम साइज़ की जो टी शर्ट थी ना वो मुझे बहुत टाइट हो रही थी। तो मैं अभी आप देख रहे हैं ना जो मैंने जो साइज़ पहना वो एल शेप लार्ज साइज़ मैंने पहना हुआ है, क्योंकि मीडियम साइज़ की टी शर्ट जो है ना मुझे बहुत टाइट लग रही थी। अदरवाइज जनरली जो है ना मैं मीडियम साइज़ की टी शर्ट्स प्रीफर करता हूँ मैं। अब देखिए एक बार मेरे साइज़ को वेरिफिकेशन करने के बाद मैं जस्ट फटाफट जो है ना मैंने लार्ज साइज़ की टी शर्ट्स लेना फिर फटाफट शुरू कर दिया। और क्या है ना कि हमेशा बेटर ये रहता है कि जो भी ब्रांड का कुछ भी प्रोडक्ट लेना होता है ना उसके पहले साइज़ को एक बार नाप करके वेरीफाई कर लेंगे ना, तो क्या होता है फिर सिलेक्शन करने में बहुत आसानी हो जाती है। आप देख रहे हैं, आप देखिए मतलब कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा है इतने दूर में। अगर आप देखेंगे मैं सर्कल राउंड कर रहा हूँ, मैं देखिए कस्टमर्स बहुत रेयर आपको नज़र आए। मेरे हिसाब से पूरे सेंट्रल में इतने बड़े सेंट्रल में करीब करीब 8 से 10 कस्टमर्स ही मुझे नज़र आए। बिलिंग काउंटर पे भी जब मैं गया तो बहुत खाली दिख रहा था वो। अब देखिए कोई नज़र नहीं आएगा आपको पीछे आगे, अब देख रहे हैं बहुत कम कस्टमर्स नज़र आएंगे आपको। देखिए ये साइड तो कोई भी नहीं है। और आज टी शर्ट्स के सिलेक्शंस में भी जो है ना मतलब कम्प्लीटली जो है ना मतलब मेरी वाइफ को जो जो पसंद आता गया ना वो हमने फटाफट ले ली। ये टी शर्ट भी देखिए सेल्स पर्सन बता रहे थे लेकिन ये भी टी शर्ट हमें पसंद आई, ये हमने जो है ना मेरे बच्चे रियान के लिए लिया। ये टी शर्ट देखिए नेक वाली बोलते ना कॉलर टी शर्ट मेरे वाइफ ने मेरे लिए लिया, और ये देखिए ये टी शर्ट भी मैंने लिया। ये टी शर्ट की जो साइज़ है ना वो लार्ज साइज़ नहीं मिल रही थी तो हमने मतलब फिर उसको नहीं लिया। अगर आप देखेंगे ना तो ये जो लाइनिंग वाली जो टी शर्ट्स है इसमें लार्ज साइज़ अवेलेबल थी तो हमने वाली टी शर्ट्स भी लिए। मतलब कलेक्शंस बहुत अच्छे अच्छे सेंट्रल में अवेलेबल थे, बट पैंडमिक की वजह से आप समझ रहे हैं ना कि कोई नहीं आ रहा है मतलब लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए कोई नहीं निकल रहा है। एक बड़ा रीज़न है इसका COVID-19 पैंडमिक। आप देखेंगे ये भी टी शर्ट्स मैंने चूज़ की। अब बस हमारी पूरी शॉपिंग सेंट्रल की हो चुकी थी, अब जस्ट मैं बिलिंग काउंटर पर जाके बिलिंग करवा रहा था। हमने करीब करीब जो है ना 1 घंटा पूरा शॉपिंग किया, 1 घंटा लगे हमें। ये सारे टी शर्ट्स अगर आप देखेंगे तो मैंने मेरे लिए और मेरे बेटे रेहान के लिए लिया है। टी शर्ट्स की अच्छी अच्छी कलेक्शन हम लोगों को मिल गई फॉर्चुनेटली। और आप बिलिंग काउंटर पे भी देखिए कोई भी रश नहीं है, हमारे पीछे भी देखिए कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं है। अभी देखिए मेरी वाइफ को जो है ना वहाँ पर एक मास्क रखा हुआ था, मल्टी लेयर्स जो है ना ये कपड़े के मास्क था, उनको वो भी पसंद आ गया तो वो जस्ट चेक कर रहे थे कि कैसी उसकी क्वालिटी वगैरह। तो जब क्वालिटी उन्होंने चेक किया ना उनको वो बहुत पसंद आ गया तो हमने फाइनली एक मास्क का भी बॉक्स ले लिया। बस हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, बिलिंग हमने कंप्लीट कर लिया, बस अब हम लोग सेंट्रल से जो है ना एग्ज़िट ले रहे थे। बस अभी एग्ज़िट पे हम लोग बिल दिखा के सेंट्रल से बाहर निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स ये रही मेरी सेंट्रल की शॉपिंग, मैंने बस टी शर्ट्स परचेज किया और एक मास्क का सेट लिया है, दैट्स इट। अब जस्ट अभी हम लोग एस्केलेटर से नीचे उतर के घर के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो एस्केलेटर पे भी मैंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो मैं उस पर खड़ा था, एक्चुअली मेरे सामने कोई जा रहे थे तो मैंने डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए एस्केलेटर पे खड़ा था मैं। आप देखिए ओबरॉय मॉल का हालत है, ग्राउंड फ्लोर है कंप्लीट, बोलते हैं ना सब शॉप कंप्लीट, सब शॉप्स वगैरह देखिए पूरा खाली है। मतलब बिजनेस जो है ना ऑलमोस्ट सबके ठप पड़ गए, मतलब कस्टमर्स नहीं निकल रहे घर के बाहर अनलेस एंड अंटिल इट इज़ अ मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर देम।
बस अब हम लोग लिफ्ट में एंटर कर रहे हैं, बेसमेंट में जाएंगे, अपनी गाड़ी लेंगे और बस अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए हम लोग लिफ्ट में घुस गए, बस हम लोग पार्किंग एरिया से अब बाहर निकल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही मेरी ओबेरॉय मॉल की शॉपिंग। सो प्लीज़ 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 स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल सेफ्स गुड लाइफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा प्लीज़। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।